हाँ, ये वॉलीबॉल एसोसिएशन उधमपुर की तरफ से ये 33rd जो है ये डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप करवाई जा रही है वुमेन और अपने मेन सेक्शन की, जिसमें मेन सेक्शन की 9 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और दूसरे जो हमारे वुमेन सेक्शन की 5 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें आज हमारे मुख्य अतिथि जो हैं 137 CRPF के डिप्टी सेकंड इन कमांड जो हैं वो आए हुए हैं एज चीफ गेस्ट, और SHO उधमपुर जो हैं वो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं हमारे। तो हम ये जो टूर्नामेंट ख़त्म करवाने के बाद हमारा ये प्रयास होगा कि जो बेहतरीन प्लेयर होंगे हमारे Under-19 उनको हम सेलेक्ट करके वहाँ स्टेट चैम्पियनशिप जो होने जा रही है जम्मू में, तो वहाँ हमने भेजना है उधमपुर की टीम को डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। लड़कियों की टीम भी जाएगी इसकी, अपने वुमेन सेक्शन की और मेन सेक्शन की भी जाएगी। लगभग कितने दिन की ये टूर्नामेंट है, कब इसका जो फाइनल किया जाएगा? हाँ, ये आज शुरू हुई है, 3 दिन की ये टूर्नामेंट है और प्रयास हमारा जो होगा कि फाइनल वाले दिन जो है हम चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर उधमपुर आएँ। अगर किसी वजह से वो लेट हो जाती हैं या उनकी मसरूफियात कुछ ऐसी ज़्यादा हैं तो हम एक दिन आगे भी बढ़ा सकते हैं। हम चाहते हैं कि उस टाइम पे हम थोड़ा सा उनको बताएं, और एक्टिविटीज़ जो है कोई अगर हमारी डिमांड होगी स्टेडियम में, स्टेडियम को रेस करने के लिए चेंजिंग रूम वगैरह जो है हमारा जो बड़ी देर से 5 साल से बना है बंद पड़ा हुआ है, या दूसरी कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं जो सभी स्पोर्ट्समैन को बेनिफिट देती हूँ, और उसके लिए भी हम उनके नोटिस में लाएँगे। वो काफ़ी बात ऐसे सीरियसली सुनती हैं, यही हमारा ये है मेन जो कि उनके उसमें लाएँ। और हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्समैन जो है एक अच्छा शहरी बने, जो उनमें डिसिप्लिन आए, आपसी भाईचारा बढ़े और उनकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज होए, नशे से बचें। तो यही हमारा एक प्रयास है इनको करने का। और मैं पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि बच्चों को किसी भी गेम में भेजें, आप जुड़नी है वॉलीबॉल, योग करवाएं, आप बैडमिंटन वो करवाएं, टेबल टेनिस करवाएं, हैंडबॉल करवाएं। हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं चैलेंज से बचने के लिए, कोरोना जैसे चैलेंज से पार्टिसिपेशन जरूर करें गेम में।